Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine and enjoying good health. Students, I am your science teacher, Saman, and I welcome you to your new session, new class. So, 5 class. Today, we start our first unit of science classification of animals. So, our first topic is classification of living things. Everything in the world can be divided into three groups. Some are living now, others were once alive, and some someone never alive. सम आर लिविंग नाउ यानि जो अभी मौजूद हैं अदर्स वर वंस अलाइव जो कभी मौजूद थी एंड सम वन नेवर अलाइव जो कभी मौजूद नहीं थी साइंटिफिक साइंटिस्ट हुटडी लिविंग थिंग्स आर कार बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट कैसे कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स के अबाउट स्टडी करते हैं ऐसे साइंटिस्ट को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंगस इन टू डिफरेंट ग्रुप्स वो कैसे स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है क्लासिफिकेशन कहा जाता है बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ प्रोसेस एक प्रोसेस में वो चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते हैं डिवाइड करते हैं जिसको क्या कहा जाता है क्लासीफिकेशन कहा जाता है द क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स अब वो क्लासिफाई कैसे करते हैं दे क्लासिफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाई डिवाइडिंग डैम इन टू लार्ज ग्रुप्स वो लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लिविंग थिंग्स को कैसे कैसे क्लासीफिकाई क्लासीफाई करते हैं वो लिविंग uh, थिंग्स को लार्ज ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिसको क्या कहा जाता है किंगडम कहा जाता है किंगडम किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स द क्लासीफाई आर लिविंग थिंग्स बाई डिवाइडिंग दैम इन टू लार्ज ग्रुप्स कार किंगडम मेन किंगडम्स अब कौन से होते हैं अब हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स के मेन uh, किंगडम्स जो हैं वो कौन से होते हैं फर्स्ट है किंगडम ऑफ बैक्टीरिया एल फनजाए एनिमल्स एंड प्लांट्स, कौन से मेन किंगडम्स हैं स्टूडेंट्स बैक्टीरिया एल जी फनजाए एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये फाइव मेन किंगडम्स होते हैं नेक्स्ट वन इज द टू मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये फाइव तो मेन किंगडम्स थे लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स प्लाट एंड एनिमल्स जो मेन किंगडम्स हैं देर आर मोर देन वन मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स वन मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो हैं वो uh, मौजूद हैं हमारे वर्ल्ड में एंड मोर दैन थ्री लैक फिफ्टी थाउजेंड काइंड प्लांट्स और थ्री लैक फिफ्टी थाउजेंड काइंड प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक इज द एनिमल किंगडम एनिमल कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू मेन ग्रुप्स एनिमल्स को किस कैसे क्लासीफाई क्लासिफाइड किया गया है टू मेन ग्रुप्स में उसको क्लासिफाइड किया गया है वर्टेब्रेट्स एनिमल्स विद बैक बोन एनिमल्स कौन से होते हैं जो बैकबोन रखते हैं जिनकी बैक बोन होती है वो एनिमल्स वर्टेब्रेट्स होते हैं इनवर्टेब्रिट्स एनिमल्स कौन से होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होते वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं जिनकी बैक बोन होती है इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं जिनकी बैक बोन नहीं होती इन्वर्टेब्रेट्स फ्राम द लार्ज ग्रुप इंसेक्ट्स एंड वाम्स इंसेक्ट्स एंड वाम्स जो हैं वो एनिमल एनिमल्स animal, uh, के ग्रुप में आते हैं आर द मोर इजिल रिकगनाइजेबल मेम्बर ऑफ द इन्वर्टेब्रेट्स ग्रुप इंसेक्ट्स एंड वाम जो होते हैं वो ईजीली रिकोगनाइजेबल होते हैं कि ये इनवर्टेब्रट्स ग्रुप में हैं दर्टेब्रट्स कॉन्टेन फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स वर्टेब्रेट्स में कौन से आते हैं फिशेस कम एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये छोटा सा चार्ट स्टूडेंट जिसमें डिफाइन किया गया है वर्टेब्रेट्स में कौन से एनिमल कौन से आते हैं और इनवर्टैब्रट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं वर्टेब्रेट्स में फिश रेप्टाइल एम्फीबियंस बर्ड एंड मैमल्स आते हैं इनवर्टैब्रट्स में, में कौन से आते हैं स्टार फिश वोम्स क्रैप इंसेक्ट एंड ऑक्टोपस ठीक है स्टूडेंट्स ये आज हमने स्टडी किया है थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स हमने देखा बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो किंगडम कैसे बनता है ठीक है फिर मेन किंगडम्स हमने पढ़े बैक्टीरिया एल जी फंजाए एनिमल्स एंड प्लांट्स फिर हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मेन किंगडम्स होते हैं ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल किंगडम पढ़ा वर्ड कौन से होते हैं इन वर्ड कौन से होते हैं लास्ट में हमने देखा कि इन वर्ड में कौन सी चीज़ें लाए कर रही हैं और वर्ड टैबलेट्स में कौन सी लाए कर रहे हैं ठीक है ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आई होगी और आपने मेरे पॉइंट्स को गट किया होगा आपने इन सब पॉइंट्स को लर्न करना है अच्छे तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा